कौन नेता ऐसा है जिसका हमने सम्मान नहीं करते? हमें तो मोदी जी मिलेंगे उनका भी सम्मान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सम्मान देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी मिलेंगे उनका भी सम्मान करेंगे। आज हम लोगों की स्थिति ये हो गई कि हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। हम लोग ना जिताने में है ना हराने में। जिसको हराना चाहते हैं वो हारता नहीं और जिसको जिताना चाहते हैं वो जीतता नहीं। मैं जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी में आया हूँ, मैं उस दिन से एक भी दिन एक भी घंटा अपने घर पर सुकून के साथ सो नहीं पाया हूँ। बहन जी 2027 के अंदर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी इंशाल्लाह। बहन जी हमारी देश की प्रधानमंत्री होंगी इंशाल्लाह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटरों के एक बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक में मुस्लिम वोटों के लिए एक बड़े नाम के रूप में जाने जाने वाले इमरान मसूद ने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। लोकसभा और निकाय चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद ने जिस तरह से मायावती की पार्टी ज्वाइन की है, उसे लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत अहम हो गई है। मायावती की पार्टी ज्वाइन करने वाले इमरान मसूद ने इस बार NBT से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश की मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं। इमरान मसूद ने कहा है कि यूपी में इस बार मुस्लिम वोटरों की ताकत कम हुई है। मुसलमान अब किसी को सरकार बनवाने के लिए समर्थन देता भी है तो ना वो सरकार बनवा पाता है और ना ही किसी पार्टी को चुनाव हरवा पाता है। इमरान मसूद ने NBT के वरिष्ठ संवाददाता नीरज बधवार से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने एक लंबा वक्त कांग्रेस में बिताया है और अब समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इमरान मसूद ने तमाम सवालों के जवाब दिए। इमरान मसूद से ये सवाल हुआ कि वो सपा छोड़कर बसपा में क्यों आए, सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। आपने सपा इसी साल ज्वाइन की थी इलेक्शन के वक्त और महज कुछ ही महीनों में आपका सपा से मोह भंग हो गया, उसकी क्या वजह रही? इतनी जल्दी कैसे आपने सपा से अपने रास्ते अलग कर लिए? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में जब आया था तो कांग्रेस में बहुत कुछ छोड़कर आया था। कांग्रेस में बहुत कुछ मेरे पास था, मैं सब छोड़कर आया था सिर्फ एक उम्मीद के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जुल्म और ज़ाती BJP की सरकार के अंदर हुई है उसके खिलाफ जो आक्रोश है उस आक्रोश को वोट में तब्दील कर करके इस सरकार को बनाने का काम करेंगे। लेकिन एक भ्रम साबित हुआ और जो हमने मेहनत की वो सारी मेहनत हमारी जाया हो गई और जिस उम्मीद के साथ हम लोग गए थे वो सब तमाम उम्मीदें हमारी टूटने का काम हो गया। इमरान साहब, आप BSP के साथ मुसलमानों को जोड़ना तो चाहते हैं लेकिन हमने एक मुस्लिम वोटर्स की एक ये भी नेचर देखी है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी भी पार्टी का कोई अगर सॉफ्ट कॉर्नर BJP के लिए है या वो आइंदा चुनावों में BJP के साथ जा सकती है ऐसी अगर सूरत बनने पर, तो वो उससे परहेज करता है और मायावती ने वक्त वक्त पर ऐसा किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो BSP का अतीत रहा है ये कितनी बड़ी बाधा है मुसलमानों को BJP से जोड़ने में, BSP के साथ जोड़ने में? ये बात बहुत आसानी से कह देते हैं, ये सवाल आप बहन जी के ऊपर उठाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सरकारें किस तरह से बनाई और किस तरह से चलाई और आज अखिलेश जी उनके साथ झंडा उठा करके चल रहे हैं, तो राजनीतिक परिस्थितियां किस वक्त क्या हो रही है उन परिस्थितियों पर सबसे पहले गौर और फिक्र करें। बहन जी का अपना एजेंडा है, बहन जी ने कभी अपनी विचारधारा के साथ और अपने एजेंडे के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया और निश्चित रूप से आगे भी वो ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इमरान मसूद से इस बात पर भी सवाल हुआ कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की ताकत आखिर किस तरह की हो गई है। इमरान मसूद ने इस पर कहा कि मुस्लिम वोटर अब न सरकार बनवा पा रहे हैं ना ही किसी को चुनाव हरवा सकते हैं। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हमने कहा हम पहले दलित और मुस्लिम को जोड़ दें, उसके बाद अगले मैंने पूरा सेंटेंस ये कहा और ना इसके अंदर कोई धर्म की बात थी ना कोई इसके अंदर जाति की बात थी। आज हम लोगों की स्थिति ये हो गई कि हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। हम लोग ना जिताने में है ना हराने में। जिसको हराना चाहते हैं वो हारता नहीं और जिसको जिताना चाहते हैं वो जीतता नहीं। तो मैंने इसलिए ये बात कही है और मैं इस बात के ऊपर कायम हूँ। समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में आए इमरान मसूद ने इस बात पर भी जवाब दिया कि उन्होंने सपा क्यों ज्वाइन की थी और आखिर उन्होंने इस पार्टी को छोड़ क्यों दिया। इन तमाम बातों को लेकर इमरान मसूद ने NBT से एक विस्तृत बातचीत की है। NBT को उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में वो BSP के लिए मुस्लिम वोटरों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर है, देखिए समीकरणों का ही तो खेल है राजनीति। राजनीति के अंदर अगर समीकरण नहीं होंगे तो क्या करेंगे? समीकरणों का ही तो खेल है। मैं साफ गोई के साथ बोल रहा हूँ और मैं सफाई के साथ कह रहा हूं कि हाँ, और हमें किसी से परहेज कभी है था ना है ना होगा। हम लोग सबका साथ सबका लेकर के चलने वाले लोग हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी का
किसी एक व्यक्ति या एक जाति या धर्म के साथ नाता नहीं है, हम सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। इमरान साहब, आपको पूरा मैं पॉलिटिकल करियर देखूं तो एक बड़ी दिलचस्प चीज दिखती है जो बाकी लोगों के बिल्कुल खिलाफ है, वो ये कि जब आप पहला चुनाव निर्दलीय लड़े थे किसी बिना किसी पार्टी के, तब तो आप जीत गए। उसके बाद जब पार्टी के साथ लड़े, जबकि उम्मीद होती है कि ज्यादा चांस होते हैं जीतने के, उसके बाद जीत से आप थोड़ा दूर रहे, उसकी क्या वजह देखते हैं? निर्दलीय तो आप जीत गए, उसके बाद जब पार्टियों के साथ रहे तो जीत आपसे दूर हो गई। देखिए, मैं 43,000 वोट पे जीता, मैं 85,000 पर हार गया, फिर 90,000 के ऊपर हार गया। 2019 का एक चुनाव छोड़ दे तो कोई चुनाव मेरा ऐसा नहीं जिसमें मेरा ग्राफ ना बढ़ा हो। 2019 में गठबंधन का चुनाव था, उसके बावजूद भी 2,10,000 वोट मुझे मिला। तो लोगों की हार और जीत तो मुकद्दर, हारने की लड़ चुका, मैं जीतने की लड़ाई की तरफ आया हूँ और ये जीत की तरफ ही है मेरा। कुछ लोगों की शिकायत ये है कि, और बड़ी सीधी बात है, उसमें कोई दोराय नहीं है, उनका कहना कि बहन जी को जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए सियासत में चुनावों से पहले भी, मतलब एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच के वक्त में भी, वैसे वो एक्टिव नहीं दिखती, जिसकी वजह से उनका काडर, उनका वोट बैंक उससे छिटका है। किस हद तक आप इसको जायज मानते हैं? आपको लगता है कि जितना एक्टिव होना चाहिए बीएसपी आला कमान को? हालांकि मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दें। देखिए, मैं समाजवादी में भी काम किया है, मैंने कांग्रेस में भी काम किया है, और मैं ईमानदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि जितना एक्टिव बहन जी है और जिस तरह से बहन जी काम करा रही है, मैं जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी में आया हूं, मैं उस दिन से एक भी दिन, एक भी घंटा अपने घर पर सुकून के साथ सो नहीं पाया हूं। लगातार लगातार दौरे और लगातार मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो जितना काम बसपा सुप्रीमो बैठ करके कराने का काम अपने लोगों के साथ कर रही है, और जिस तरह से कैडर को अपने एक्टिव करने का काम कर रही है, कहीं मैंने इतना काम होते हुए नहीं देखा। मैं आपको ये बात बिल्कुल बाहलफ कह सकता हूं कि मैं पिछले 19 तारीख से अब तक लगातार दौड़ ही रहा हूं। इमरान मसूद सहारनपुर के बड़े नेता हैं। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों के एक बड़े चेहरे के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो आने वाले चुनावों में करिश्मा कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपने कहा था कि अगर मुसलमान एक हो जाएं तो बाकी लोग हमारे पैर पकड़ेंगे, मुझसे क्यों पैर पकड़वा रहे हो, ये तो आप ही का स्टेटमेंट था। आपको लगता है कि मतलब क्यों वो बात कर ली? इसमें मैंने गलत क्या कहा बताइए? मैंने अगर अपने कार्यकर्ताओं से बोल रहा हूं तो इसमें गलत क्या कहा? इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। आप बताइए, अगर तो आपको अपने घर नहीं करेंगे तो दूसरा आदमी क्यों आपको पूछेगा? आपको तभी तो पूछेंगे ना जब आपको लोग अपने मजबूत करेंगे। नहीं, लेकिन बाकी लोग पैर पकड़, एक नेता के नाते इमरान साहब आप एक जन प्रतिनिधि है ना, तो नेता तो किसी के भी पैर पकड़ता है, वो उसके लिए तो सारी जनता एक तरह की होती है, तो फिर इसमें एतराज क्या है कि अगर मुसलमानों के अलावा किसी के पैर पकड़ने भी पड़े? हिंदू जो नेता वो भी तो मुसलमान वोटर्स के पैर पकड़ता ही है। हम नहीं पकड़ते क्या? अरे हम भी तो छूते हैं, बट हम नहीं करते क्या? कौन कौन नेता ऐसा है जिसका हमने सम्मान नहीं करते? हमें तो मोदी जी मिलेंगे उनका भी सम्मान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सम्मान? देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी मिलेंगे उनका भी सम्मान करेंगे। आपको लगता है कि 2000 जो अब 27 का चुनाव आने वाला है, उसमें बहन जी वापसी कर सकती है? किस तरह से आप लोग अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं? बहन जी 2027 के अंदर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगी इंशाल्लाह। 2/3 बिल्कुल। और लोकसभा चुनावों के लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? लोकसभा चुनाव के अंदर मेरा देखिए, हमारी कोशिश है कि हम 40-45 सीटें कम से कम जीतें, और 40-45 सीटें अगर हम लोग जीतने में कामयाब हो गए इंशाल्लाह, तो मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार का देश के अंदर माहौल है, हम प्रधानमंत्री के लिए, प्रधान बहन जी हमारी देश की प्रधानमंत्री होंगी इंशाल्लाह।